देखो बच्चों, आज हम आपको जो है दूरी और विस्थापन बताएंगे। दूरी और विस्थापन, ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन हम इसमें दोनों में ही थोड़ा सा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग दूरी के बारे में क्या जानते हैं। देखिए, जैसा मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने बताया दूरी के बारे में। मैं आपको पहले एक दो गाना बताता हूँ, उसके बाद जो है आप लोग जो है इसको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, जैसे दूरी शब्द जो आपके जीवन में है, जैसे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊँ मैं कन्हैया तेरी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। तो देखिए, दूर शब्द का मतलब अब आपको फीलिंग आ रही होगी कि दूर क्या है, ठीक है? हमसे वो ज़्यादा किलोमीटर या कहीं दूर है, ठीक। और मैं आपको, आप लोगों ने जो बताया वो गाना मैं बता रहा हूँ, ठीक है? मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज़ दोगी क्या? मैं जा रहा हूँ दूर, तुम आवाज़ दोगी क्या? तेरा नाम धोखा रख दूँ, नाराज होगी क्या? देखिए, इसमें भी दूर शब्द आया ना? तो आप लोग जो जानते हो दूर, दूर से अब हम दूरी पे आते हैं। दूरी जो है, दूरी डिस्टेंस हो गई, और विस्थापन को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है? तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है, आप ये चित्र से माध्यम से समझते हैं। ये यहाँ पर है परवीन, परवीन ये यहाँ पर खड़ी है अपने घर पर स्कूल जाने के लिए। ये इनका स्कूल है, ये घर है, ये स्कूल में पढ़ने आई है और घर जाना। तो अगर इस रास्ते से जाती है, एक घर, इनके घर जाने के कई रास्ते, इस रास्ते से जाती है, इस रास्ते से जाती है, तो दूरी ज़्यादा होगी। और अगर सीधा जाती हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए जिस कमरे में आप लोग बैठे हैं, उस कमरे को मान लेते हैं, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको किनारे, ठीक। अब इस कोने पे जाना, ए बी, ए बी सी डी, ठीक। ए से सी जाना है, तो एक रास्ता है आप इधर से जाएं, एक इधर से जाएं, और एक सीधा जाएं। तो इन दोनों में ज़्यादा लंबाई तय करनी पड़ेगी, अर्थात दूरी ज़्यादा रहेगी। अगर आप सीधा जाएंगे तो कम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा। एक स्थान से दूसरे स्थान की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका, देखिए हम और सही समझते हैं दूरी और विस्थापन को। दूरी हमेशा ज्यादा होती है विस्थापन से, ठीक। दूरी शून्य नहीं होती है। और भी हम कुछ एग्जांपल, जैसे इसमें हमने समझा कि दूरी ज़्यादा होती है विस्थापन से, लेकिन अगर कोई वस्तु यहाँ से चले और घूम के फिर यहाँ पर आ जाए, तो उसका भी दूरी और विस्थापन दोनों शून्य होगा, ठीक है? विस्थापन शून्य हो भी सकता है, दूरी भी हो सकती है, ठीक है? कुछ केस में, लेकिन जो सामान्य आप लोग जानिए कि दूरी शून्य नहीं होती है, ठीक। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, वृत्ताकार पे चल के उसी स्थान पे आ गया, तो अपने स्थान से तो वो कहीं गया ही नहीं, चला बहुत फिर उस स्थान पे, तो इस स्थिति में विस्थापन भी शून्य हो गया और दूरी भी शून्य हो गई। तो ये समझ में आया? अब एक चाल होती है। चाल शब्द आप लोग जानते होंगे कि जो चाल कहते हैं, आप बहुत लोगों की चाल ढाल गड़बड़ चल रहे हैं, तो चाल शब्द से आप परिचय हैं। अब हमें इस विज्ञान में चाल को समझना है, ठीक है? तो चाल क्या होती है? चाल बराबर होता दूरी बटा समय, दूरी बटा समय।
जब हम लोग बाइक चलाते रहते हैं, स्कूटी का है स्पीड बढ़ाओ, धीमे चला रहे हो। इंग्लिश में भी होता है। हाँ इंग्लिश में तो यहाँ पर कहते हैं स्पीड बढ़ाओ। स्पीड का मतलब होता है कम समय में ज़्यादा दूरी तय करिए, ठीक है। तो इसीलिए दूरी बटा समय, ये चीज़ समझ में आया? यस सर। वेरी गुड।